बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सी एग्ज़ाम। पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट जो है वो शुरू होने वाले हैं। एफपीएससी ने काफ़ी अरसे से पेट्रोल ऑफिसर के टेस्ट का जो सिलेबस है वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बहुत से जो दोस्त हैं उन्हें इस सिलेबस का नहीं पता और वो बस ऐसे ही तैयारी करें। तो ऐसे तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है, फजूल चीज़ें पढ़ के अपना जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें, बल्कि जो सिलेबस है उसके मुताबिक आप स्टडी करें और एग्ज़ाम में जाएं, क्योंकि ये 300 पोस्ट्स हैं, 300 असामियाँ हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और पेट्रोल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बाइज्जत और हाई पेड सैलरी वाली ये पोस्ट है। तो इसलिए इस चांस को ज़ाया ना करें, अच्छी तैयारी करके एग्ज़ाम में जाएँ, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। तो एक नज़र डाल लेते हैं हम सिलेबस पे। 100 MCQs होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे, तो 20 नंबर की होगी। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के जो 20 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग शामिल है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का पोर्शन है, करंट अफेयर का पोर्शन है और जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज में क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें पाक स्टडी शामिल है, इस्लामिक स्टडी शामिल है और बेसिक जनरल नॉलेज शामिल है। एक लास्ट में उन्होंने एक और नई चीज़ ऐड की है, वो है नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000। यानी ये ऑर्डिनेंस जो है इसमें से 20 जो MCQs हैं, 20 नंबर के जो पेपर है वो इसमें से आएगा, तो इसके मुताबिक आप स्टडी करें। लास्ट नाइट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो 2018 का पास्ट पेपर था, ताकि जो दोस्त हैं उनको पता चल जाए कि किस तरह के FPSC क्वेश्चन पूछता है। तो जो तैयारी है वो आपने इसी सिलेबस के मुताबिक करनी है। उसके जो पेपर मैंने अपलोड किया था, जो क्वेश्चन बयान किए थे, वो आधा पेपर था, उसका जो बाकी आधा हिस्सा है यानी 50 क्वेश्चन है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि FPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, फिर आपने उसके मुताबिक तैयारी करनी है। और उसके बाद फिर हमने जो ये वीडियो बनानी है, तैयारी करवानी है, वो भी हम इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए इसी सिलेबस में से जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखेंगे, इसी सिलेबस में से तैयारी करवाएंगे। और आपने भी इसी सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करनी है, भरपूर तैयारी करके एग्ज़ाम में जाना है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।